आज का दिन डिसाइड करेगा कि कौन टॉप थ्री में होगा। काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे के साथ में हैं, तो काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गया, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाने पहचाने लग गए हैं, दोस्ती हो गई है सब लोगों की आपस में। मैं तो बहुत ही टेंस हूँ। कि मैंने अपने बाल स्टाइल भी नहीं करे यार। Did you get up late? Yeah. अच्छा कम, डोंट हैव एनी फियर, आई एम हियर। मैं वो उससे बोर हो गया, काफी स्पाइक्स वगैरह। हां सब सब चैलेंजेस में आई थिंक यू वोन इट पीछे के तरह नो मे बी समथिंग डिफरेंट। क्या करने वाले हो? इट्स अ सरप्राइज, बस चुप बैठो। ट्रेस्मी का हेयर स्प्रे प्लीज पास करो। आंखें खोल दो। इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू ट्रेस्मी प्रेजेंट्स अ कथाबाग। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर टॉप फोर। आप ट्रेसेमे प्रेजेंस अकट अबव के टॉप फोर हो। जीत आप लोगों के बहुत नजदीक है। बाय द एंड ऑफ द डे वी विल अराइव एट द टॉप थ्री। It's a very important day in your hairdressing career. आप लोग कंपीट कर रहे हैं इंडिया के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट के टाइटल के लिए, और विनर को मिलेगा ट्रेसेमे शो स्टाइल करने का लाइफ टाइम चांस। चलो तो शुरू करें। Are we ready for today's mini task? Yes. Yes. Can we bring the models in first? जजेस कोई भी टास्क दे सकते हैं, तो बताना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है। स्टाइलिस्ट हमारे रिचुअल के हिसाब से जो हमेशा होता है, आप सब आगे आएंगे और अपना कैन लेके जाएंगे। आज का मिनी टास्क, काफ़ी कुछ दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे कि क्या अंदर हो सकता है क्या नहीं, नया कुछ ऐसा करने को मिलेगा, और जब ब्रिकेट को हटाया तो प्रॉप्स। ऑन द ट्रे यू कैन सी एन अरे ऑफ प्रॉप्स, सम स्ट्रेंज वंस, सम क्रिएटिव वंस एंड सम कॉमन वंस। एंड टॉकिंग अबाउट जजिंग, द पैरामीटर्स रिमेन द सेम, द लुक, creativity, technical ability, and last but not least, presentation and execution. इन props को आपको बड़ी ही interesting तरीके से बालों में इस्तेमाल करना है, पर बहुत ही artistic way में। You can use as many props, but not less than three. हम आपको judge करेंगे good, sensible usage of these props. आपको मिलने वाला है एक घंटा इस task के लिए। स्टाइलिस्ट अभी आप अपना कैन खोल सकते हैं। किसको मिला है नंबर वन? वीरेंद्र, यू आर द लकी गाय मैन। लास्ट टास्क में आप नंबर वन आए थे। थैंक यू। और अभी आप लक में भी नंबर वन हैं, नसीब आपका स्ट्रांग है, तो आपको पहले मॉडल चूज करनी है। किसको मिला है नंबर दो? I was a little worried क्योंकि मैंने एक particular model को देखा था and I wanted her, but I was lucky कि किसी ने उसको pick नहीं किया। Carlos, this is an incredibly exciting mini task. You should make sure that the props work in synergy with the look that you're creating. You have 1 hour and your time starts now. मैं सिर्फ खेलना चाहता था, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉप ले आया। उसका मैंने एडवांटेज उठाया आई गेस, कि सारे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं फटाफट जाके सारे प्रॉप्स ले आया। ये जो प्रॉप्स थे, बटन्स थे, फेदर्स थे, ड्रिंक के स्टरर्स थे, बहुत अजीब
अजीब चीज़ें थी जो हमें हेयर स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना था। क्लास शुरू होते ही जो भी प्रॉप्स थे वहाँ पे ऑक्सीडाइज में, मैंने वो चुन लिया क्योंकि मुझे क्या करना था इज आई वांटेड टू मेक ज्वेलरी आउट। दैट लुक्स वेरी इंट्रिकेट, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? I'm trying to create like a tribal goddess feel with the accessories and the look of the hair. Okay, and you're threading some buttons or some... I'm just using these little loopy things that were in the treasure box. Uh-huh. And going to use it like ornaments because it's nice. It's got this lovely metallic feel to it. But you're using hair... as thread. Fantastic, very good. Focus on what you're doing and we'll leave you on this. Thank you. Okay, good luck. प्रॉप्स में कुछ बटन्स थे, बीड्स थे, स्टिक्स थे, रिबन्स थे, तो मेरे माइंड में आ गया था कि मैं एक बो क्रिएट करूँगी और उनमें मैं अपना बीड्स डालूँगी एंड मेक इट लुक लाइक अ बो। माई होल लुक इज़ अबाउट बोज टुडे, सो आई एम गोना बो इट आउट। सो मैं काफ़ी सारे प्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। रिधिमा, मुझे थोड़ी सी कंसर्न हो रही है, या आप टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही है ना, क्योंकि to me it looks like you're not doing very much here. Yeah, I know, I need to work on it. Yeah, yes, correct. Don't waste time, my sweetheart. जब मेरी टास्क शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में काफ़ी देर तक कोई आइडिया नहीं था। बेस बनाते टाइम मैं सोचता रहा कि मैं क्या क्रिएट करूँ, क्या कुछ ऐसा कुछ बनाऊँ इसके लिए कि जो जजेस को इम्प्रेस कर सकूँ। Brenda, how's your plan coming? Yeah, I'm thinking a bit natural thing again. So I'm going to create some not exactly some nest or something like that. Excellent. But something creative. If you have a plan, that's all. Yes, yes, my yes, concern yes. is the fact that it looks a little bit untidy right now. मुझे कुछ बड़ा बनाना था ताकि मैं प्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। अपने प्रॉप्स आप बराबर से इस्तेमाल करने वाले हो कि नहीं? बिल्कुल, मैं अपना पूरा मेहनत करूँगा। आज मुझे आपके काम में ज़रा भी नीटनेस नहीं लग रही है। और नीटनेस लगेगी जब पूरा हो पूरा होने के बाद। यस, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग फाइन। या आई एम ट्राइंग टू अचीव समथिंग लाइक काइंड ऑफ हैट, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉप यूज करने हैं, उसको थोड़ा कलरफुल के साथ मुझे प्ले करना है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। डोंट डिसअपॉइंट मी प्लीज। ठीक है, लेट्स सी, ऑल द बेस्ट गाइस। बस 30 मिनट रह गए। वेव या कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करने की मेरे दिमाग के अंदर में है कि समथिंग रिलेटेड टू आवर कंट्री, एज यू कैन सी दिस फ्लैग एंड ऑल। स्टाइलिस्ट, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रॉप सही जगह पे लगे हैं बालों के अंदर। कंपटीशन का एंड आ रहा है, सब लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सो इट्स आई डोंट नो एनीवन्स गेम। आपके अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप नाउ। यहाँ से सबकी हेयर स्टाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन किसका सबसे बेस्ट हुआ है ये पूरा इवैल्यूएट करने के बाद ही पता चलेगा। Am I right? Yeah, let's go. मुझे जो अचीव करना था मैंने काफ़ी हद तक अचीव किया और मैं बहुत खुश थी। आई एक्चुअली थिंक इट्स क्यूट, बट आप जानते हो मैं क्या कहने क्या फिनिशिंग अच्छा नहीं है। आपका जो कलर कॉम्बिनेशन जो आपने एक ही फैमिली में रखा है और बहुत पेपी है, लेकिन मैं यहाँ से मुझे स्प्रे नजर आ रहा है जी, बहुत ज्यादा डिपॉजिट है। यस, आई नो। बाल इतने स्टैटिक है और यहाँ भी फिनिशिंग नहीं है बो में। यस, आप ये बहुत सिंपल चीज़ की बनाना जो आपका स्प्रे है। यस, आई एग्री, आई डिडंट यूज इट प्रॉपर्ली। इसके लिए बेसिक यही है, पूरा कैन खत्म हो जाएगा चलेगा। ग्रेट ग्रेट कॉन्सेप्ट है। हाय एल्टन। हाय। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। ब्यूटीफुल। ये आपने बालों के अंदर किया है? मैंने इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल लगा के उसको स्टिफ बना के यूज द हेयर लाइक अ नीडल एंड पुट ऑल द बीड्स थ्रू। मुझे क्या अच्छा लगा जो आपने किया है नेक पे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये भी आपने बालों के अंदर डाला है? हाँ, वो भी बालों के साथ मैंने चेन बनाया है।
It's quite tribal, very interesting tribal look. Thank you. I like what you've done. I like what you've done. The only thing I'd say is this fringe does not work at all. जजेस को मेरा फ्रिंज का स्टाइलिंग पसंद नहीं आया अगर मैं फ्रिंज नहीं रखता और बालों के सब पीछे कर देता तो इट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर लुक जो मैं करना चाहता था मैंने वो अचीव किया है मैंने कलर के साथ थोड़ा प्ले किया है एंड आई गेस यस इफ यू लुक एट योर फिनिश एंड वी ऑल सेड दिस टू यू गोइंग थ्रू द फिनिश कुड बी अ लॉट बेटर मुझे ये अच्छा लग रहा है I like the placement. I like the feel of this. You know, आप ये यहाँ डालते हैं, वो hat का feel आ जाता। Feel that you're doing the same thing as you have from day one. You're playing very, very safe. And he had the thought. You had the thought. The hat was already in place. जब जजेस ने comments जो थे उनके काफी complicated से थे, ना ही वो बहुत अच्छे थे और ना ही वो बहुत बुरे थे। आप को घोंसला बनाने का बहुत शौक है नॉट एग्जैक्टली इट्स नॉट अ घोंसला इट इज फॉर मी राइट नाउ मैंने इसको पहले एक लुक दिया कि थोड़ा सा एक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के या कुछ इस तरीके का मेरे दिमाग के अंदर में थोड़ा सा वो था एंड देयर इज अ फ्लैग व्हिच इज वाइट है जो पीस को करता है और ये बस, जो वेव्स है बस, थोड़ा अलग तरीके का ये पिक्चर में स्टोरी नहीं है क्योंकि आपको तीन प्रॉप यूज करनी ही थी लास्ट मिनट में आपने ये लगाया इसका देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस देयर इज नो लॉजिकल प्लेसमेंट बिहाइंड इट अपनी तरफ से तो मैंने मिनी टास्क में काफ़ी कोशिश की है कमेंट्स थोड़े नेगेटिव थे तो बैड लक था मेरा कि मेरे दिमाग में एट दैट टाइम कोई आइडिया ऐसा नहीं आया कि मैं कुछ एग्जीक्यूशन कर सकूँ वी गॉट टू सी सम इंटरेस्टिंग वर्क टुडे आपके यूसेज ऑफ प्रॉप्स बट डिड यू यूज द प्रॉप्स करेक्टली प्रॉप कुड हैव being the one thing that took you over the line to win this mini task. Can I have everyone out, please? Verenda, lovely story, but the hair let everything else down. So no matter what you do, if you talk the talk, you have to walk the walk. So you let yourself down. It just didn't make sense overall what you did. I'm just going to say something motivational to you. आपको homework करनी चाहिए. होमवर्क करोगे फिर आप बहुत आगे जाओगे क्योंकि यू आर अ पैशनेट पैशनेट हेयर ड्रेसर थैंक यू वीरेंद्र स्टोरी सुनाई आपने मुझे ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हुआ मिस्टर से इमोशंस होने चाहिए बालों के अंदर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सो फॉर मी इट वॉज नॉट गुड आप फोर्थ आते हो आप बैठ सकते हैं ओ रिधिमा 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 हम तीनों को आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है आपका टेस्ट बहुत अच्छा है और Thank आपका you. जो आपने प्रॉप्स को इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती से किया क्योंकि आपने जो कलर का जो बैलेंस था वो बराबर रखा विजुअली आप बहुत स्ट्रांग हो एग्जीक्यूशन में आप स्ट्रांग नहीं हो यू हैव एक्चुअली कम इन सेकंड प्लेस थैंक यू सो मच मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एलिमिनेशन टास्क में डेफिनेटली मेरे को वो एडवांटेज देगा गौरव एल्टन आप दोनों में से कोई एक मिनी टास्क का विनर है आज गौरव आप बहुत अच्छा एड्रेसिंग करते हो आज आपने जो एक्सेसरी यूज़ की काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया आपने फिनिश में आप इतना जलवा नहीं दिखा पाए जिस तरह से आपने पिछले मिनी टास्क में दिखाया एल्टन आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था बहुत खूबसूरत किया आपने आईब्रो पे जो बालों का आपने जेल लगा के ट्विस्ट करके उसको धागे की तरह बनाया तो आपने जो प्रॉप्स इस्तेमाल किए सब एक ही फैमिली के थे जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया तो वो बहुत ब्यूटीफुल था Thank you. Gaurav, you have to push your boundaries and stretch your creativity to a different realm and mix it up as a balance. That's what makes a good all-round hairdresser, not just being able to deliver the same thing every single time. Elton, I agree with these guys. I think the fact that you did the threading with the hair, I looked twice and said, that looks fantastic. For today's mini task, the winner is Elton. So Gaurav, that puts you in third place. जजेस के जो रिजल्ट थे मैं उनसे सहमत नहीं था क्योंकि ओवरऑल जो लुक था वो मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा था Elton, congratulations. You can come up and receive your gift hamper from Tresemme. जजेस के माइंड में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं सो आई वॉज अ लिटिल नर्वस बट वेन दे अनाउंस मी द विनर आई वॉज वेरी हैप्पी स्टाइलिस्ट
जीत एक आदत होती है। मुझे लगता है कि आप सब विनर हैं। एक आध सेटबैक्स आपकी सीजर की धार को कम नहीं करेगा। इट ओनली मीन्स आपको और एक चांस मिलेगा अपना विनर कट दिखाने का, एलिमिनेशन टास्क। सो यू गाइस कट गुड और गेट कट फॉर गुड। ओके, मैं प्रेजेंट सबका तबाव में आप सिर्फ कंपीट करने नहीं आया, हमारा कोशिश ये भी है कि आप कुछ सीख के जाएं। गिव यू ऑल अ लिटिल टिटबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हैविंग सेड दैट, आवर नेक्स्ट एंड फाइनल एक्सपर्ट सेशन आलिम। अभी हम सब फिनाले की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करेंगे आपके पास। कितने लोग आप में से हेयर टैटू करते हैं? बहुत लोग नहीं करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक। जब भी आप हेयर टैटू कर रहे हो, हमेशा याद रखो योर हेयर हैज़ टू बी आयरन स्ट्रेट, सो इट बिकम्स लाइक कैनवस। अगर आप खुले बाल पर टैटू करोगे तो टैटू दिखेगा ही नहीं, वो खुल जाएगा। हेयर टैटू के लिए भी प्रिपरेशन चाहिए, फिर बाद में आपको 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा करने के लिए। स्लोली और इसको आप परमानेंट हेयर कलर के साथ भी कर सकते हो। आलिम ने हमें हेयर टैटू के बारे में बताया, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। आप अपने यू पिन से ही काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने टेक्सचर क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं फिगर एट। आप फिगर एट बहुत आसानी से बना सकते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, ये बस दो पिन चाहिए आपको। यू पिन, आपने बाल लिए, आपको ये चीज़ थंब से टाइट होल्ड करनी है, इस पर काफ़ी सारा स्प्रे लगाना है आपको ताकि उसका होल्ड रहे। मैं डाला और ये उंगली से पीछे लेते जाओ। Better if your pin is slightly smaller because it will keep it more tight. ये किया और इसको आप इसी से लॉक कर सकते हो, बट आपको ये फ्लैट रखना है। ये खुला, इससे कम खुलना चाहिए ये, तो ही जाके लॉक होगा। सो अब ये लॉक हो गया, इसको आप सिर्फ आयरन से थोड़ी देर रखिए। बहुत ईजी है, अभी आप अपना लॉक खोल दीजिए। ये इमेज दिख रही है आप, आपको ये टेक्सचर कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप क्रिएट कर सकते थे। और ये बहुत लाइट होता है, सिर्फ आप हल्का सा स्प्रे मारोगे बाद में, दैट्स इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी हैंडी रहेंगी आपके लिए, आपके फ्यूचर में भी, और जब आप घर जाओगे और सैलून में काम करोगे बहुत अच्छा होगा। और क्या पता जो आपका नेक्स्ट टास्क है उसमें भी आपके काम आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेसेमे प्रेजेंस कट अबव्स लास्ट एंड फाइनल एलिमिनेशन टास्क। टुडे वी पुट अप एन एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव टास्क दैट विल टेक यू थ्रू टाइम। सभी कंटेस्टेंट पे बहुत प्रेशर है क्योंकि आज जो भी परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। आपको आज जो हेडू बनाना है, इट हैज टू बी highly highly creative, imaginative and extremely futuristic look. This is last and final elimination task. Aur yaad rakhiye, if this is the kind of task that can show us what type of artists you are. Draw upon the inspiration in the form, shape, color or whatever you see to create a futuristic look for us today. Jaise judges ne announce kiya ki jo hamara elimination task hai wo futuristic look hoga, mujhe bahut khushi hui kyunki it is a very subjective matter, to hum kuch bhi create kar sakte the. So can we have the models in please? Elton, you won the mini task, so you get first pick. मैंने सबसे लंबे बाल और थिक बाल और सबसे प्रिटी मॉडल चुना क्योंकि मुझे मालूम था कि यू नीड द ओवरऑल पैकेज टू विन दिस चैलेंज।
साथ जो टास्क है वो फ्यूचरिस्टिक है, तो उसके अंदर में कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि कौन कम्पीट करेगा फॉर द टाइटल ऑफ इंडियाज़ बेस्ट हेयर ड्रेसर। मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे को टॉप थ्री में तो होना चाहिए। टॉप थ्री में जगह बनानी है, फाइनल तक जाना है। यहाँ तक आया हूँ, पीछे बिल्कुल जाने का सोचा नहीं है मैंने अभी। जो भी आज थोड़ी सी गलती करेगा वो सीधा अपने घर जाएगा। स्टाइलिस्ट थिंग्स दैट वुड इंस्पायर मी, नेचर, आर्किटेक्चर, स्पेस, व्हाट इंस्पायर्स यू, हमें डैजल कर लीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्लास शुरू होते ही मैंने सेक्शंस क्रिम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फाउंडेशन चाहिए था सब एक्सटेंशंस डालने के लिए और स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए। हम लोगों को फुल फ्रीडम है आज, हम लोगों को टेक्सचर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गाइस, शो अस हाउ यू सी द फ्यूचर, शो अस योर विजन इन योर पीस ऑफ वर्क। फ्यूचरिस्टिक हमें कुछ करना है। ऑफकोर्स अभी जो कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, तो मैं उसको माइंड में रख के चल रहा था। वी वॉन्ट टू सी ओवर द टॉप वर्क, इट हैज टू बी विजुअली अपीलिंग, गिव इट ऑल यू गॉट। गौरव, हाय, सो व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? काइंड ऑफ मोहाक बना रहा हूँ, बट इट विल बी वेरी डिफरेंट मोहाक। याद रखो, आपका टेक्निकल स्किल, आपका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अभी आप जो कर रहे हो ये आपका टेक्निकल स्किल और एग्जीक्यूशन है। यस, इतना मुझे नहीं लगता हम तीनों को इम्प्रेस कर रहे हैं। एलिमिनेशन टास्क में मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था, हमारे जजेस ने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाइट इश्यू के कारण आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी टू रीच द मॉडल्स है। सो नाइस ऑफ देम, काइंड ऑफ देम, क्योंकि बहुत आसान रहा उसके बाद कि मैं अपना टास्क अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाऊँ। प्रियमा, हेलो, हाय, हाउ आर यू गोइंग? आई हैव जस्ट क्रिम्प्ड द हेयर, सो आई एम गोना मेक रोज ऑफ इट एंड ओवरलैप वन इंच ऑनटू द अदर वन, सो दैट आई गेट दैट शेप, लाइक यू नो दैट राउंडेड शेप इन द फ्रंट। Where's your inspiration coming from? See, it's a little robotic. So, but at the same time, you know, just because it's futuristic, I wouldn't want the hair to look like a helmet. Yaad rakho, last or final elimination task hai. Yes. It has to be futuristic. It has to be out of the box. Yes. Okay. Thank you. All the best. आपका इंस्पिरेशन बताओगे आप? कुछ अलग से क्रिएट करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। जी हाँ, कुछ दो बड़े बड़े से मेरे को मून बनाने हैं इनके सर पे। मून बनानी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट जी। वाओ, व्हाट्स हैपनिंग हियर? टेल अस व्हाट योर प्लान इज। इमेजिन इट एज अ सी क्रीचर। ओके। बट देन I decided it's not going to be a sea creature as much as like a desert creature, almost that can swim in the sand. She's going to have this insect sort of a look, but then there's going to be a coral kind of detailing, which is a softness. All the very best. Can't wait to see this alien swimming desert creature. It's already looking like awesome. Hot. Hot. Okay, sorry, I missed that out. Okay. See your thought through clearly though. All the best. कॉरल वर्क जो मैं क्रिएट करना चाहता था, बहुत ही बड़ा सेक्शन था उसका और बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था वो बनाने में, क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस भी डाले थे उसमें। गाइस, यू कैन यूज एज मेनी प्रॉप्स यू वांट, बी आउट ऑफ द बॉक्स, एज वैकी एज पॉसिबल, यू हैव टू ब्लो आवर माइंड, रिमेंबर दैट। जो मैंने लुक डिसाइड किया है, ऐसा कुछ शेप मैंने अभी तक लाइफ में कभी नहीं बनाया है। गाइस, बस 30 मिनट रह गए। लुक अभी तक मुझे लग रहा है काफ़ी मैं उसको अचीव कर चुका हूँ, और आई थिंक इट विल लुक गुड आफ्टर फिनिशिंग। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है फाउंडेशन बनाने में, सो शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। गाइस, मेक श्योर दैट द शेप लुक्स गुड, मेक श्योर यू मूव अवे फ्रॉम योर मॉडल एंड यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट सो क्लोज अप एंड सो इंट्रिकेट। बहुत कम समय बाकी था और मुझे फिनिशिंग टचेस देने थे। स्टाइलिस्ट,
आपको फ्यूचर में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है और काम अभी काफी बाकी है। Guys, last 1 minute of this elimination challenge. Go, 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 go. Stylist, countdown begins. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, and you better be getting ready. 1. स्टाइलिस्ट, ये है वो हेयर स्टाइल्स जो आपको फिनाले तक पहुंचा सकती है। लेट्स सी इफ योर चॉइसेस एंड स्किल्स हैव मेड इट टू द फाइनल्स। स्टाइलिस्ट्स, वी अप हियर आर लाइक प्राउड पेरेंट्स टुडे। आप सबने ढेर सारा एफर्ट डाला, आपने ये 1.5 घंटा जो था वेरी वेल यूज किया, प्रॉप्स अच्छी तरह यूज किया। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो फिर चलो, हमें इवैल्यूएशन करनी है। वीरेंद्रा, आप आ जाइए प्लीज। आपके मॉडल को बुलाओगे? वीरेंद्रा, आप खुश हो आज? Yeah, I'm very much happy with this look. आपने ध्यान दिया, आपने अटेंशन टू डिटेल, आपने फिनिशिंग की है। You finished it off. थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से, बट आपने अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। वीरेंद्र, जितने आपने टास्क निभाए हैं अभी तक, ये आपका बेस्ट काम है। लेकिन जो टास्क था फ्यूचरिस्टिक, बस मुझे फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता, मुझे थोड़ा ट्राइबल लगता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप मार खाए, टास्क को आप पूरी तरीके से नहीं समझे। The term futuristic and subjective, the shape can be a little bit, now it looks a little bit like a bob. Saying that, this has been your best work. You've pulled it all out, especially for this last challenge, so well done. Thank you. बहुत ज़्यादा टेंशन है मेरे अंदर में, खासकर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनल के अंदर में जो 3 कंटेंडर जाने वाले हैं, मैं उनमें से एक हूँ। गौरव, मुझे प्रोफाइल बहुत अच्छे लगे दोनों। जो आपने इंट्रिकेट काम किया है वो बहुत अच्छा लगा। फ्रंटल से मैं इतना खुश नहीं हूँ, एंगल भी बराबर से नहीं है, फ्रंट बैलेंस बराबर नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आपका हेयर डू देख रहा था, लेकिन ये आपका बेस्ट काम नहीं है। गौरव, कैन आई गेट योर मॉडल जस्ट टू टर्न टू द साइड अ फ्रैक्शन? Issue that I have is the rollers. That's it. If you'd just done that and the connecting between the rollers, I would have been over the moon. There's a slight little gap. The negative is the rollers. That's it. हमें रिलीफ मिला है कि आप अलग सा काम कर सकते हो। रोलर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू पुश्ड योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफिल करने के लिए मैं एक बहुत ही अलग ट्रैक पे चल रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मैं जाने वाला हूँ। रीड हिम आउट। हाउ डू यू फील यू विन? आई अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट, सो आई लव व्हाट यू हैव डन एट द फ्रंट। The only letdown I have is the braid. It's not connected correctly. Vedama, जो आपने चोटी बनाई है, let's say उसमें थोड़ा texture है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि बालों का texture है, और आपने crimp किया है, तो उसका texture मुझे अच्छा लग रहा है। आपने एक अच्छा shape create किया, future के हिसाब से, और काफ़ी control काम किया, जो कि बहुत important है। इसके अंदर जो खासियत है, वो originality है। Very nice, well done. Thank you, thank you. This look, I don't know what it is. मुझे समझ में आ रहा, but it so works on her face.
थैंक यू। जजेस ने मेरा लुक काफ़ी अप्रिशिएट किया था और मुझे लग रहा था कि मैं विनर हो सकती थी। मुझे फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, इट्स हार्ड वर्क आपने डाला है। थैंक यू जी। I think sometimes, and we've said it to you before, pull back a fraction. Sometimes less is more. So would that have had more strength for me if you hadn't it done as much? Possibly. Would it have the same impact? Maybe not. Beautiful work, intricate, and in the time frame, I'd take my hat off to you. Elton, अब तक आप सारे टास्क बहुत खूबसूरती से करते आए हैं। आपने ज़्यादा मेहनत की, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि रुक जाओ। आपने ज़्यादा टेक्सचर किया है और उसमें एजीनेस कम आई है जो मैं फ्यूचरिस्टिक देखता हूँ, और आपने कलर्स को भी बहुत ओवरप्ले किया है। अगर आप कलर को थोड़ा कंट्रोल करते दैट वुड बी माई टेस्ट। दूसरे लुक्स के कंपैरिजन में मेरा लुक पॉलिश था, फ्यूचरिस्टिक लुक था, और फ्यूचर क्या होल्ड करती है किसी को मालूम नहीं। टाइम आ चुका था कि अब वो एक जने को इलिमिनेट करने वाले थे। नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। स्टाइलिस्ट ट्रेसेमे प्रेजेंस अ कट अबव के लास्ट एंड फाइनल एलिमिनेशन टास्क में आप सब ने अपना बेस्ट दिया है, मगर क्या आपका बेस्ट इज गुड इनफ टू टेक यू थ्रू द फाइनल्स? कैन वी हैव रिडिमा एंड एल्टन टू द फ्लोर प्लीज। जब जजेस ने मेरा और रिडिमा का नाम पहले लिया, मुझे लगा कि हम दोनों बॉटम टू में हैं। रिडिमा, योर एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट यू डिड, द फ्रंट, द टॉप, फैंटास्टिक, वी ऑल लव्ड इट, वी ऑल सेड द सेम थिंग। एल्टन, द कॉन्सेप्ट वाज गुड बट इट्स मे बी अ लिटिल बिट टू मच इन इट। बोथ ब्यूटीफुली डन, बोथ हैड थॉट, बोथ हैड स्ट्रक्चर, बट लाइक एनी कॉम्पिटिशन there can only be one winner. Ridhima, congratulations, you're the winner of this competition. Main bahut khush hu ki maine ye task jeeta, and I think I truly deserved it kyunki jo maine look create kiya tha bahut acha laga. Elton, you're safe. Thank you. Please both take a seat. Ridhima, as the winner, you get to present the Tresemme style tip of the day, okay? Gaurav and Virendra, please come on the floor. काफ़ी कुछ दिमाग के अंदर में चल रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी लुक क्रिएट की। मुझे इनसिक्योरिटी थी कि आज मैं जा सकता हूँ क्योंकि वीरेंद्र मेरे साथ खड़े थे, लेकिन उनका जो लुक था सबसे बेस्ट लुक था। गौरव, आप जब ये शो चालू हुआ आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड डाउन हुआ। आज का जो टास्क था, फ्यूचरिस्टिक टास्क, थोड़ा सा रूलर्स में ख़राब था। वीरेंद्र, आप जब से ट्रेसेमे प्रेजेंट करवाओ में आए हैं, ये मुझे लगा आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन इट्स नॉट अप टू द मार्क। आप दोनों में से कोई ना कोई आज ट्रेसेमे प्रेजेंट्स अ कट अबव सैलॉन छोड़ के जाएगा। वो टफ डिसीजन है वीरेंद्र, आपको आज ट्रेसेमे प्रेजेंट्स अ कट अबव सैलॉन छोड़ के जाना होगा। बट लेट मी टेल यू, यू हैव रियली रियली इम्प्रेस्ड मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपसे और बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहा हूँ। आपके कलेक्शंस देखूँ, मैगजीन्स में आपका नाम देखूँ और आपका नाम ऑन रोशन देखूँ। थैंक यू सो मच, ट्रूली बहुत अच्छा लगा इस शो में आकर के। बहुत कुछ सीखने को मिला अपने कंटेस्टेंट से, जजेस से, जूम टीवी का, ट्रेसेमे का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर गौरव को निकाला जाता तो मुझे सच में दिल से दुख होता, क्योंकि ही रियली डिजर्व दिस। So Virendra,
it's never nice saying goodbye, but we wish you all the very best. We know that the future for you is going to be bright. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे दोस्त भी बने. मैं टॉप थ्री कंटेस्टेंट को अपने बेस्ट विशेज देना चाहूँगा. ऑल द बेस्ट यू गाइस. आप तीन हमारे टॉप थ्री फाइनलिस्ट हो. यू गाइस हैव मेड द I'm happy to be in top three और मैं बहुत करीब हूँ to win the title of India's best hairstylist. As part of the finale task, the three of you will get to style the three winners of the Tresemme Style Your Hair at Home contest. I think I have what it takes to win this competition. So, jo ye task jeetega, he or she will be declared the winner of Tresemme Presents A Cut Above. मैं अब यहाँ तक आया हूँ तो मैं जीत के ही जाऊँगा. So, guys, you better cut good or get cut for good. All right, all the best. Make us proud. A ponytail can never go out of style, but adding a little twist to a classic is what a butterfly ponytail is all about. Start by brushing your hair all the way to the end and gather it all in a ponytail a little higher than the neck. Use an elastic band to hold the hair. Divide the ponytail at the center and create a little hollow. Invert the pony through the hollow. Neaten it with your hands and you are done. Your butterfly ponytail is ready for a day out.